तो हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग? वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग, सेटअप व्लॉग कहेंगे हम इसको। तो यहाँ पर हम लोग आज सेटअप दिखाने वाले हैं और थोड़ी सी चिट चैट भी करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो अंत तक देखना, लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब मार दो। लेट्स स्टार्ट विद आवर इंट्रो गाइस। जैसा कि मैंने कहा था आप लोग को कि भाई मैं सेटअप दिखाने वाला हूँ तुम लोग को, तो ये रहा गाइस हमारा सेटअप। आप लोग को दिख रहा होगा, बहुत ही ओपी सेटअप है, एकदम सिनेमैटिक शॉट्स वगैरह सब कुछ निकाले आप लोग के लिए। तो भाई वीडियो अंत तक ज़रूर देखना, हर एक डिटेल की तरफ जाएंगे, क्या क्या कैसे सेटअप है मेरा, कौन सा ऐप यूज़ करता हूँ, क्या है नेटवर्क वगैरह वगैरह सब कुछ बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सारे की चीज़ों से, मतलब पेरिफेरल्स क्या क्या यूज़ करता हूँ मैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। सबसे पहले बात करते हैं हमारे सीपीयू की। तो भाई इसके तो क्या ही कहने हमारे पीसी के। तो सबसे पहले तो भाई पीसी की बात करनी बनती है, पीसी की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये रहा हमारा सस्ता सा ओल्ड फैशन कैबिनेट, जहाँ पर ज़्यादा कुछ आरजीबी दिखेगी नहीं, जो कुछ भी आरजीबी दिख रही है मैं बाहर से लगाया है, इनबिल्ट कुछ आरजीबी नहीं थी, बस ये टिमटिमाती ब्लू लाइट के अलावा। तो बात कर लेते हैं हमारे पीसी स्पेक्स की। पीसी स्पेक्स कुछ खास है नहीं बताने के लिए, पेंटियम का प्रोसेसर है, जीबी वगैरह कुछ है नहीं। हार्ड डिस्क की बात कर ले, हार्ड डिस्क है 160 GB की, उस पर 2 GB रैम है। और ये जो कूलर जो आप लोग को दिख रहा है, एकदम आरजीबी, एकदम जॉड आरजीबी दिख रही है, वो मैंने बाहर से आफ्टर मार्केट लिया है। पीएसयू तो कुछ है नहीं, 450 वॉट्स का आई गेस, ये ज़्यादा कुछ बात करने के जैसा है नहीं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट की ओर, नेक्स्ट पेरिफेरल की बात करते हैं हमारे मॉनिटर की। तो भाई ये हमारा डेल का मॉनिटर है, जो मैंने जब पीसी बिल्ड किया था हम लोगों ने, मतलब बहुत टाइम पहले, उसके साथ ही में यहाँ पर ये बंडल आया था, डेल का कुछ सीपी मॉनिटर है। तो ठीक ठाक है, बंद पड़ चुका है इसलिए मैं कुछ दिखा नहीं पाऊँगा तुम लोग को, नहीं तो मैं उसको चालू करके भी दिखा देता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बढ़ते हैं यहाँ पर कीबोर्ड और माउस की ओर। तो यहाँ पर मैं कीबोर्ड यूज़ कर रहा हूँ ज़ेब्रोनिक्स का। ज़ेब्रोनिक्स का कुछ तो 400 रुपये का एकदम सस्ता सा प्लास्टिक वाला यहाँ पर आपको कीबोर्ड दिख जाएगा। साथ ही में यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ मैं HP का 400 रुपीज़ का समथिंग माउस, गेमिंग माउस है विथ RGB, तो वो यूज़ कर रहा हूँ मैं। बाकी इसी के साथ मैं दूसरी एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये RGB फ़ैन की। तो भाई ये एंड ई स्पोर्ट का RGB फ़ैन है, कुछ तो 500 रुपये का कुछ तो पड़ा था, ये भी एकदम ऑसम है, बट ठीक है चलो कूलिंग के लिए गया है, बाकी ज़्यादा कोई इसका काम है नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट, बात कर लेते हैं हेडफोन्स की। तो भाई ये रहे हमारे जॉड दिखने वाले बस हेडफोन्स, आगे भी एकदम खतरनाक है, फुल RGB हेडफोन्स, इस साइड में भी है, उस साइड में भी है, माइक में भी यहाँ पर थोड़ी सी RGB आपको दिख जाएगी, ब्लू ही लाइट लगती है, ठीक ठाक कहूँगा मैं, कम्फर्ट के हिसाब से काम चल जाता है, बट ऑडियो क्वालिटी में कुछ खास नहीं कहूँगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, वाईफाई राउटर की बात करें। तो भाई एकदम खतरनाक वाईफाई, मतलब भाई नासा का जो वाईफाई है उसको भी ये वाईफाई टक्कर दे सकता है, इतना फास्ट चलता है भाई साहब। प्लान बस मैं 10 MBPS का मारता हूँ, बट चलता है एकदम नासा के वाईफाई से फास्ट। तो राउटर की बात करें, TP-Link का राउटर यूज़ कर रहा हूँ। ये जो ऊपर कैमरा दिख रहा है ये कुछ काम का नहीं है, बस शो के लिए लगाया है, देख रहे हो अंदर पंदर डीले हो चुके हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, हमारे गेमिंग चेयर की। तो भाई साहब यहाँ पर क्या ही कहने हैं गेमिंग चेयर के, यहाँ पर एकदम फुल कुशनिंग के साथ यहाँ पर गेमिंग चेयर आती है। यहाँ पर हमने एकदम 100% जेन्युइन हाई क्वालिटी की यहाँ पर गद्दे लगाए हुए हैं, ताकि गेमिंग करते वक्त आपको कंफर्टेबल रहे और एकदम जॉर्ड गेम पे दिखा सके। इसी के साथ हम यहाँ पर दिखाना चाहेंगे, नीचे यहाँ पर ब्लूटूथ स्पीकर है, बोट की तरफ से आता है, 2500 कुछ लिया था, साउंड क्वालिटी और समय लेना चाहता हूँ तो ले सकते हो। बाकी यहाँ पर टेबल देख लेते हो, ये रहा हमारा टेबल का लुक देख लो गाइस, एकदम झाड़ी पत्तियों में से सिनेमैटिक शॉट्स यहाँ पर दिखा दूंगा मैं आपको, वीडियो के बीच में कहीं तो डाल दूंगा, देख लो गाइस। ये रहा हमारा पावर बैंक, यहाँ पर थोड़ी सी सॉफ्ट लाइटिंग, जब भी हम फेस कैम करते हैं तो भाई उसके साथ ये थोड़ी सी सॉफ्ट लाइटिंग लगा देता हूँ मैं, तो थोड़ा सा फेस पे सॉफ्ट लाइट आ सके। तो यही है हमारा गाइस सेटअप, बाकी बात करते हैं दूसरे सेक्शन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये हमारा है एकदम RGB का आकाश कंदील, जहाँ पर मैंने इसमें एक RGB बल्ब लगा दिया है, ताकि थोड़ा सेटअप
का लुक एकदम ओपी आ सके रात के वक्त, तो ये एकदम एलेक्सा बिल्डिंग गूगल असिस्टेंट सीरी बीरी सब मिक्स करा सब पे चलता है ये, बहुत ही ख़तरनाक। इसमें मैंने सॉफ्टवेयर वगैरह डाल दिया है तो भाई एकदम ख़तरनाक है ये। तो इसका हम वॉइस कंट्रोल यूज़ कर सकते हैं गूगल असिस्टेंट सीरी वगैरह के साथ में, फुल सेटअप का एकदम मज़ा दे देता है भाई ये। दिखा दूंगा आपको थोड़े सिनेमैटिक शॉट्स में, आपको ज़रूर दिखेगा कि भाई ये कैसे काम करता है। तो ये रहा गाइस पूरा फाइनल लुक विथ ऑल आरजीबी टर्न ऑन। कैसा लगा गाइस सेटअप जरूर से कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूले। सीधा साधा सेटअप है बट ट्राई किया है कि भाई बेस्ट दिखे, तो कमेंट में जरूर बताना कैसा लगा आपको ये सेटअप। तो गाइस ये था हमारा पीसी सेटअप। तो अब बात कर रहे थे गाइस स्ट्रीमिंग की, तो भाई स्ट्रीम मैं पीसी से नहीं करता हूँ, मैं बस मेरे मोबाइल से स्ट्रीम करता हूँ। चैट्स भी अभी फ़िलहाल उसी से पढ़ता हूँ, पहले मैं चैट्स मेरे पीसी पे पढ़ता था बट ये पीसी बंद पड़ चुका है, तो भाई मुझे कारणवश मुझे अभी पूरा मोबाइल पे ही सारी चैट्स पढ़नी पड़ जा रही है। तो अभी मैं ऐप्स की बात कर लूँ भाई, तो मैं 3 ऐप्स यूज़ करता हूँ स्ट्रीमिंग के लिए। स्ट्रीमिंग के लिए मेरे ऐप्स है टर्निप, ऑमलेट आर्केड एंड एक और है स्ट्रीम लैब्स। बट स्ट्रीम लैब्स का ये सीन है कि उसको एक पीसी चाहिए रहता है चैट्स पढ़ने के लिए। अभी फ़िलहाल मैं यूज़ कर रहा हूँ टर्निप, क्योंकि अब थोड़ा सा वो स्टेबल हो चुका है ऐप, थोड़ा डेवलपमेंट में था थोड़े दिनों से, तो अब मैं टर्निप पे शिफ्ट हो चुका हूँ। देखता हूँ कैसा इसका रहता है। तो अगर आप स्ट्रीम कैसे करें मोबाइल पे कम्प्लीटली विदाउट एनी अदर थिंग पीसी वगैरह के लिए, अगर आपको ऐसी कुछ वीडियो चाहिए तो भाई कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आई ट्राई माई बेस्ट कि आपको मैं बता सकूँ कि भाई मैं कैसे स्ट्रीम करता हूँ, अगर आप कैसे करना चाहते हो, वाईफाई कैसे चाहिए, स्पीड कैसे चाहिए वगैरह वगैरह, फुल डिटेल्ड वीडियो मैं आप लोग के लिए ला सकता हूँ। तो भाई कमेंट में ज़रूर बताना आप लोग को ऐसी वीडियो चाहिए या नहीं। मेरे स्ट्रीमिंग डिवाइस की बात करें तो भाई मेरा स्ट्रीमिंग डिवाइस जो है, मेरे पास एक ही डिवाइस है, मैं शूट उसी से कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल। डिवाइस मेरा है वीवो का V17, 8GB रैम है, 128GB स्टोरेज है। प्रोसेसर की बात कर ले भाई, प्रोसेसर है हमारा स्नैपड्रैगन का 675, ठीक ठाक है, नॉट सो ओपी, डिसेंट सा प्रोसेसर है, काम चल जाता है स्ट्रीमिंग के लिए। और आप लोग ये देख सकते हो स्ट्रीमिंग के वक्त ऐसा कुछ मेरा सेटअप रहता है, तो यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, चेयर में ऐसे रखता हूँ मेरी, यहाँ पर ये जो CPU का जो फ़ैन है मैं बाहर लाकर रखता हूँ, उसका रीज़न बताऊँगा मैं। ये जो CPU कूलर है मैं उसको बाहर लाता हूँ ताकि जो मैं डिवाइस से स्ट्रीम कर रहा हूँ, स्ट्रीमिंग एंड गेमिंग करते हुए बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, तो मैं इसलिए ये वाला कूलर यूज़ करता हूँ। साथ ही मैं यहाँ पर बाकी कुछ तो है नहीं, बस यही दो चीज़ें रहती है स्ट्रीमिंग करते वक्त, ये फ़ैन और एक मोबाइल। वाईफाई तो है ही, रहना ही चाहिए चालू, क्योंकि भाई स्ट्रीमिंग वाईफाई की बिना मुझे नहीं लगता कि भाई पॉसिबल हो पाएगी अच्छी खासी स्ट्रीम अगर करनी है आपको तो। साथ ही में यहाँ पर हमारा लोटा जो काम आता है पानी पीने का, बाकी इतना ऐसा रहता है मेरा सेटअप स्ट्रीम करते वक्त। हेडफोन तो भाई कान पे पहनती है। तो गाइस इतना ही था इस वीडियो के अंदर, और वीडियो या फिर ब्लॉग कहेंगे जो कोई भी आपको समझ में समझ लो, इतना ही था गाइस। ये सेटअप आपको हम दिखा चुके हैं, तो ऐसे ही गाइस वीडियोस बनाने की मैं ट्राई करूँगा, व्लॉग्स वगैरह भी इन फ्यूचर आने वाले हैं, तो भाई सब्सक्राइब मारना बिल्कुल ना भूले, घंटी दबाइए, ऑल पे करिए, जोड़ मजा आने वाले हैं, स्ट्रीम पे आते रहो गाइस, क्योंकि हमको वॉच टाइम जो है बहुत ही शॉर्ट चल रहा है, तो भाई आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है भाई, सपोर्ट दिखाओ स्ट्रीम पे, और डेली स्ट्रीम्स करने वाले हैं हम लोग थोड़ा सा दो तीन हफ्ते से मैं थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट हूँ स्ट्रीमिंग में, तो भाई थोड़ा सा सीन चल रहा है घर में, तो आई विल गेट ऑन टू दैट, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट स्ट्रीम करूँ मैं, बस आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है भाई लोग, तो भाई सपोर्ट कम मत करो, मज़े आने वाले हैं, ये स्टार्टिंग है, बहुत दूर जाना है। आई होप कि वीडियो पसंद आई हो आप लोग को, लाइक सब्सक्राइब ठोको, जितना ज़्यादा शेयर हो सके ना भाई शेयर करो, वीडियो वायरल होनी चाहिए, मुझे कुछ पता नहीं,
कर दो भाई। बाय बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आई तो भाई लाइक मारना, मुझे कुछ पता नहीं, 100 लाइक्स का एम रख देते हैं भाई, कर देना। बाय बाय।